सर्वांगीण विकास के लिए पालक मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 1000 करोड़ का फंड जिला योजना समिति अंतर्गत आवंटित किया गया है, जिसके नियोजन हेतु नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय में विधान परिषद के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में विशेष सभा का आयोजन किया गया था, जिसके विषय में जानकारी दी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने। की बैठक नहीं, आज की बैठक ही नागपुर जिले के लिए जो 1000 करोड़ रुपए का डीपीसी का फंड माननीय देवेंद्र जी ने दिया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ देवेंद्र जी ने पालक मंत्री करके दिए हैं, उसका प्लानिंग हम करेंगे। उसके साथ साथ नागपुर के अनेक विषयों पे ऊपर, ग्रामीण के विषय के ऊपर ये बैठक है, और 3 बजे नागपुर कारपोरेशन में भी बैठक है। मैं नागपुर जिला शहर का विधान परिषद का एमएलए होने के नाते कुछ जो प्रश्न मेरे पास आते हैं उसकी बैठक हर मंडे को मैं लगाता हूँ। एक जो हर सोमवार को जो बैठक होती है उसका ये भाग है।